हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 4th ऑफ क्लास 12th सोशियोलॉजी एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो एक बाजार होता है उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या बाजार समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, और वो कौन से फैक्टर हैं जो एक बाजार में एक व्यक्ति को बड़ा और दूसरे व्यक्ति को छोटा बना देते हैं। सो लेट अस सी। अ मार्केट इज अ प्लेस। बाजार क्या होता है? एक वो जगह होती है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, किस लिए? बेचने और खरीदने के लिए सामान को। इट इज अ प्लेस इन विच द बायर सेलर्स हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और एक दूसरे के संपर्क में सीधे रूप से आते हैं, विद ईच अदर फॉर द परचेज और एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट, बेचने और खरीदने के लिए। इकोनॉमिक व्यू ऑन मार्केट, मार्केट के ऊपर आर्थिक नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है? एडम स्मिथ, याद रखना एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैज एन ओपिनियन दैट द मार्केट इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। एडम स्मिथ का ये मानना था कि एक बाजार को एक व्यक्ति इफेक्ट करता है। एक व्यक्ति, याद रखिएगा, समाज कभी एक व्यक्ति से नहीं बनता, वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है। तो एडम स्मिथ का मानना था कि बाजार तो भाई एक व्यक्ति से होता है इफेक्ट। There appears to be an unseen force that converts what is good for the individual into what is good for the society. और ये एक ऐसी अनफोर्स, मतलब कि अनचाही या जो देखी नहीं जा सकती, इनविजिबल ताकत होती है जो एक इंडिविजुअल के अच्छा, जो एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा होता है, इन टू वाट इज गुड फॉर द सोसाइटी, और वो एक सोसाइटी के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति बाजार में गया और बुक्स खरीद के लाया, अब वो सोसाइटी के लिए अच्छा कैसे होगा? जब वो व्यक्ति उनसे पढ़ेगा और सोसाइटी में, मतलब कि अच्छे से नजरिया या अच्छे से बिहेव करेगा या अच्छे से रहेगा। तो कहने का मतलब, व्हाट इज गुड फॉर द इंडिविजुअल इनटू व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी, जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है वही एक समाज के लिए अच्छा है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एवरी पर्सन लुक्स फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए बाजार में जाता है, हर आदमी अपने लिए ही खरीदने जाता है बाजार में, वो ये थोड़ी देखता है कि दूसरा क्या खरीद रहा है, वो तो ये देखता है कि उसको क्या चाहिए। इट एक्ट एज अ स्टिमुलस विच हेल्प्स अ इंडिविजुअल टू मेक मोर वेल्थ, और बाजार के जरिए ही एक व्यक्ति क्या होता है, और ज्यादा संपत्ति जनरेट करता है। जैसे जो व्यक्ति बाजार के अंदर बेचने के लिए बैठा है वो पैसा कमाएगा और वेल्थ जनरेट करेगा। द सेल्फ इंटरेस्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द सोसाइटी, और इनडायरेक्टली बेनिफिट कैसे होगा? अब एक व्यक्ति जो बाजार में सामान खरीदने गया, अब जब वो सामान को खरीदेगा तो पैसा देगा, अब उसने जो पैसा दिया उससे घर चलेगा लोगों का। अब मान लो जिस व्यक्ति की कमाई हुई, कल को वो पैसे को खर्च करेगा, सामान बनेगा, फिर पैसा खर्च, तो यानी इनडायरेक्टली एक व्यक्ति के सेल्फ इंटरेस्ट ने पूरी सोसाइटी का भला कर दिया। इसको और आसान शब्दों में समझो, जैसे मैं 100 रुपए खर्च करने गया, अब मैं 100 रुपए खर्च तो कर रहा हूं, अब जब वो 100 रुपए मैं खर्च करूंगा तो कई लोगों को उससे रोजगार मिलने वाला है, कई लोगों की रोजी रोटी चलेगी, तो यानी सोसाइटी का भला हुआ ना। देयर आर मैनी इनविजिबल हैंड्स, बहुत सारे इनविजिबल हैंड्स होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट के पीछे वर्कर्स, पता नहीं एडवर्टाइजर्स, बहुत लोग, उन सबके रोजी रोटी इसी से ही तो चलती है। जब एक प्रोडक्ट बिकता है तभी तो उनके घर बार चलते हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके मतलब जीविका चलती है। एडम स्मिथ सपोर्टेड फ्री मार्केट। एडम स्मिथ कहते हैं कि बाजार को फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल ना हो गवर्नमेंट का, ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो। पर अगर हम ये सोचें तो फिर बाजार में ऐसे तो चांसेस हैं कि वो जो सेलर है वो एक्सप्लोइटेशन कर सकता है कंज्यूमर का। तो यहाँ पे एडम स्मिथ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि फ्री मार्केट हो, फ्री ना हो, पर गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि मतलब कि सेलर्स भी लिबरल से फील करें। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमी गेव द थ्योरी लेजी फेयर। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन, लेजी फेयर थ्योरी किसने दी? एडम स्मिथ ने। तो इन्होंने, लेजी फेयर का मीनिंग क्या होता है फ्रेंच भाषा में? लेट देम एक्ट, लीव देम अलोन, मतलब कि उन्हें अपने हिसाब से करने दो, और मतलब कि उन्हें अकेला छोड़ दो। कहने का मतलब, सरकार को बाजार को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए और बाजार के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। एडम स्मिथ एंड अदर थिंकर्स डेवलप्ड द आइडियाज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ एंड उनके ही जैसे अर्थशास्त्रियों ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी।
इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द इकोनॉमी कैन बी स्टडीड एज सेपरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें ये कहा गया मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उसको अलग हिस्से में समझना चाहिए, उसे सोसाइटी से नहीं जोड़ना चाहिए, ना उसके नियम कानूनों से. और लिविंग आउट द लार्जर सोसाइटी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच मार्केट फंक्शंस, और जो मतलब कि राजनीतिक या सोसाइटिकल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको बाजार से अलग करना चाहिए. अब देखो फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में नॉन वेज को आमतौर पर अलाउड नहीं है, पर एक बाजार ऐसा है जहां पे पूरी व्यवस्था लोगों की रोजी रोटी नॉन वेज बेचने से ही चल रही है. तो एडम स्मिथ ये कहना चाह रहे हैं कि बाजार को यानी अर्थव्यवस्था को अलग रखो किससे, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन से, तो अर्थव्यवस्था तरक्की कर पाएगी. सोशियोलॉजिकल व्यू ऑन मार्केट, अब सोसाइटी का क्या व्यू है या सामाजिक व्यू क्या है. द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट ऑन मार्केट इज डिफरेंट, इस पे अलग व्यू पॉइंट है. दे वॉन्टेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन इन अ लार्ज सोशल एनवायरमेंट, वो इसे समाज से जोड़ के महत्वपूर्ण हिस्से से जोड़ के बड़े स्केल पे पढ़ना चाहते हैं. सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द सोशल ग्रुप, वो इसको सोशल इंस्टीट्यूशन ही कहते हैं. क्यों? क्योंकि सामाजिक लोग ही इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, समाज के ग्रुप ही, जैसे सुनार, जैसे मोची, जैसे नाई, या फिर जैसे लोहार, या फिर आप कह सकते हैं बुनकर हो गए. तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना, तो वो कंट्रोल करता है. लाइक कास्ट ग्रुप एंड सोशल क्लास, या कि कास्ट ग्रुप हो सकता है या सोशल क्लास, दोनों मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिए. मार्केट इज अ प्लेस फॉर द पीपल टू इंटरेक्ट विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पे लोग अपने रिश्तेदारों से या रिलेटिव से भी, दोस्तों से भी मिलते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट में या होटल्स में. इन सम विलेज, कुछ गांव में देयर मे हैव वीकली मार्केट्स, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हफ्ते में एक बार बाजार लगते हैं. ठीक है, यूपी में उसको पीठ बोला जाता है, पीठ लगी, हफ्ते में एक बार लगती है आमतौर पर वो. वेयर द पीपल कम टूगेदर फॉर द एंटरटेनमेंट, जहां पे लोग आमतौर पर घूमने भी आते हैं, मेले टाइप हो गए जो हफ्ते में एक आधी बार लगते हैं, या सब्जी की मार्केट होगी, या फिर किसी और चीज का बाजार हो गया, कपड़ा बाजार हो गया, एक बार लग रहा है वीक में. तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे वीकली बाजार लगते हैं, एक दिन में एक बार वाले. फ्रेंड्स एंड गॉसिप समटाइम टू अरेंज मैरिज ईटीसी, और फिर क्या होता है, बाजार के अंदर लोग इसलिए भी मिलते हैं चर्चाएं करने के लिए, या फिर शादी के लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए भी मिलते हैं, सामान खरीदने के लिए. अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट मार्केट इज अ प्लेस फॉर सोशल इंटरेक्टिंग एंड कंसिडर इट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पे लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस लिए, ताकि वो सर्वाइव या फिर अपनी मतलब की जानकारी एक दूसरे से शेयर कर सके. मार्केट दो तरह के हैं, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज और वीकली मार्केट. ट्रेडिशनल क्या होते हैं, एग्जांपल के रूप में पढ़ते हैं, डोहरी विलेज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है. द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइब्स, ट्राइबल कम फ्रॉम नियर बाय, गांव से आते हैं वहां पे, और वहां पे आके वो लोग अपना क्या बेचते हैं, शहद, नमक, बास्केट, टूल्स, बेड्स, ज्वेलरी, ईटीसी, जो भी उनके द्वारा बनाए जाते हैं ट्राइबल्स लोगों के द्वारा. बिसाइड बायर्स एंड सेलर वहां पे एंटरटेनर्स भी आते हैं, मैजिशियंस भी आते हैं, गेम्स खिलाने वाले भी आते हैं, एक मेले टाइप समझ लो आप. मनी लैंडर्स भी आते हैं वहां पे, जिन्हों को पैसे की जरूरत है ब्याज पे पैसा देने के लिए. दिस काइंड ऑफ मार्केट इज टिपिकल ऑफ विलेज सिटीज एंड टाउन, आमतौर पर ये बाजार में मतलब कि बाजारों से, गांव के बाजार से या फिर कस्बों के बाजार से अलग होता है, क्योंकि ये हफ्ते में एक आधी बार लगता है और इसमें अलग अलग लोग आते हैं सब. चेंज इन ट्राइबल मार्केट, अब ट्राइबल मार्केट कैसे बदल रहा है. इन द कॉलोनियल पीरियड मैनी डेवलपमेंट टुक प्लेस, बहुत सारे मतलब कि चेंजेस हुए जब अंग्रेज यहाँ पे थे, जैसे इंडस्ट्रीज बनी, हाउसेस बने, रोड्स, रेलवे, तो जंगल काटे गए होंगे. अब ट्राइबल लोग तो जंगल पे ही निर्भर होते हैं, फॉरेस्ट से वो अपनी जीविका या रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं, तो वो लोग ऐसे में कहाँ जाएंगे, वो लोग उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो फिर इससे तो उनकी रोजी रोटी भी इफेक्ट होगी. ट्राइबल पीपल वर डिस्प्लेस, लो देखो अगला पॉइंट यही है, एंड वर Not given alternate homes and their occupation had to change. अंग्रेजों ने ना तो उन्हें मतलब कि कोई alternative homes दिए, ना रोजगार के साधन दिए जब वो यहाँ पे थे अंग्रेज. नॉन ट्राइबल मनी लैंडर्स, और फिर वो भी उनका एक्सप्लोइटेशन करते थे, हैवी ब्याज पे उन्हें पैसा देते थे. द ब्रिटिश टुक ट्राइबल कमोडिटी टीज एट वेरी लो प्राइस, और जो अंग्रेज होते थे वो ट्राइबल लोगों से उनका सामान तो सस्ते में खरीद लेते थे, और फिर इंटरनेशनल बाजार में, शहरों में उस सामान को महंगा बेचते थे, और उनको आइसोलेट भी करते थे और एक्सप्लोइट भी करते थे अंग्रेज. मार्केट ले आउट ऑफ दोहराई, दोहराई का बाजार का स्ट्रक्चर कैसा था, लेट अस सी. द
तो आमतौर पर जो मेन सेंटर में बाजार के लोग होते थे वो वेल्दी ट्रेडर्स, ज्वेलर्स, अब जो ये ट्राइबल लोग होते थे इन्हें बाजार के आउटसाइड वाले उसमें रखा जाता था, मतलब बाहरी दुकानों में। ट्राइबल वेजिटेबल सेलर्स हो गए, या लोकल वेयर या सेलर्स जो मतलब कि लोकल कपड़े बेचने वाले हैं, वो सब आउटसाइड में आते थे बाजार के, और इनसाइड में बड़े अमीर जो दुकानदार होते थे या वो सब। अब ये भी देखो दोराई के अंदर मतलब कि सोशल एक्सक्लूजन है एक तरह का, एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को बाहर रखा जा रहा है, दूसरा ग्रुप ऑफ ट्रेडर को प्रिविलेज दी जा रही है। ये प्रीजुडाइज भी है, पक्षपात भी है। गिवन बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फर्ड जेल, द सेंटर पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय द नॉन ट्राइबल्स के द्वारा, मतलब मेन पोर्शन पे उनका कंट्रोल होता था नॉन ट्राइबल्स का, और ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स प्योरली बिजनेस होते थे ये आमतौर पर इनकी बिजनेसमैन होते थे, पर इनकी पोजीशन सोसाइटी के अंदर अलग अलग होती थी। ये व्यक्ति अमीर राजा बाबू, और ये व्यक्ति बेचारे रोज के कर के खाने वाले, तो मतलब है दोनों व्यापारी, पर सिचुएशन में देखो कितना फर्क है। अब एक व्यापारी ऐसा है जो लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है, और दूसरा व्यापारी ऐसा है जिसके लिए 400 रुपये 500 रुपये कमाना भी मुश्किल हो रहा है दिन का। तो दोनों व्यापारी हैं पर सिचुएशन में फर्क है। सो दे हैव नथिंग इन कॉमन, तो इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। जब इसकी कमाई ज्यादा है तो इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, सब कुछ अलग होगा किसके मुकाबले, उसके मुकाबले। ठीक है, नथिंग हैव इन कॉमन, ये यहीं तक है, नेक्स्ट पेज से। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइटम्स, ट्राइबल्स आर नॉट ओनली सेलर बट बायर्स एज वेल। अब ट्राइबल लोग सिर्फ सामान बेचने ही नहीं आते थे, वो खरीदने भी आते थे। जो जरूरतें उनके मतलब उनसे फॉरेस्ट से नहीं मिल पाता था उन्हें रॉ मटेरियल, वो बाजार से खरीदते थे, मतलब सामान बेचा, पैसे आए, और फिर उससे अपनी नीड्स पूरी कर ली। ये एक तरह का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही है जिसमें 3 फेज होते हैं। फर्स्ट वन द इनकम जनरेटेड, देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड, देन डिस्पोज। आप इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर यही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कॉमन आइटम्स आर नॉट अवेलेबल ऑन एवरीडे बेसिस, और कॉमन आइटम्स रोजाना भरी जिंदगी में ट्राइबल्स लोगों के नहीं अवेलेबल होते थे, इसलिए वो इन बाजारों से खरीद के जाते थे। कॉस्ट बेस्ड मार्केट, प्री कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के आने से पहले मार्केट सिस्टम वाज क्वाइट डेवलप्ड, अच्छा था हमारे यहाँ। नॉन मार्केट एक्सचेंज, आमतौर पर मनी का उपयोग ना करके एक बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम देखिए एक उस तरह की व्यवस्था होती है जिसमें सामान के बदले सामान दिया जाता है, पर इसमें कमियां क्या होती है, जैसे लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, या फिर लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ आपका हो गया मतलब की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इस तरह की कमियां थी इसमें, इसीलिए मनी को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। जजमानी सिस्टम, दिस इज द वेरी सोल्ड। जजमानी सिस्टम में आपको आसान शब्दों में बता दूं, जिसमें एक वर्ग राजा बाबू जजमान कहलाएगा, मतलब वो मौज ले रहे, और जो दूसरा है वो प्रजंस कहलाएंगे, जो उन्हें सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज द वेरी सोल्ड सिस्टम बेस्ड ऑन हेरिडिटी। जजमान का बच्चा भी जजमान बनेगा, उसका बच्चा भी जजमान बनेगा, इस तरह, और प्रजंस का बच्चा, उसका बच्चा भी प्रजन बनेगा, उसका बच्चा भी प्रजन बनेगा, ये सिस्टम था। जजमान लैंडलॉर्ड होते थे आमतौर पर अपर कास्ट वाले, और प्रजेंस सर्विस क्लास होते थे, जैसे गोल्ड स्मिथ, बार्बर, टेलर, ईटीसी। ये किनको सेवाएं देते थे, इन लोगों को। जजमान पेड देम इन काइंड और कैश, या तो वो इन्हें कुछ मतलब की सामान दे देते थे या पैसा देते थे प्रजेंस को। द सन ऑफ प्रजन वुड सर्व द सन ऑफ द जजमान, और जो प्रजन का लड़का होगा वो किसको सर्व करेगा, किसकी नौकरी करेगा, जजमान के लड़के की। ये आइडियोलॉजी थी उस टाइम, आज ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम में से एक फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम अपनी मर्जी से रोजगार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। बार्टर सिस्टम एज वेल एज डेवलप्ड एंड एफिशिएंट एंड स्लो। बार्टर सिस्टम अच्छा तो था, पर वो बहुत ही कमियां भी थी, मैंने आपको बता दी उसकी लिमिटेशन, डिविजिबल नहीं कर सकते थे। मान लो सामने वाले का सामान छोटा है और हमारा बड़ा है, तो हम अपने को कैसे डिविजिबल करके उसे दें, या मान लो सब्जी है, अब उसे पैसे को तो चाहे 10 साल रखो पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब्जी को 10 साल कहाँ रखें, स्टोरेज की कमी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब उसके की कीमत कैसे लगाएं सामान की, अपने की कैसे लगाएं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी कमियां थी बार्टर सिस्टम में, इसलिए फिर मनी आई। मनी एंड बैंकिंग में ये चैप्टर है, आप वहां पे उसमें पढ़ सकते हैं।
प्री कॉलोनियल स्पाइसेस कॉटन हैंडलूम जूट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, ये भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिया हैड इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेरी गुड। और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा यहाँ पे इतना बढ़िया हैंडीक्राफ्ट था, हाथ के बुनकर हाथ का काम दुनिया भर में फेमस था। उन्होंने आते ही हमारे हैंडीक्राफ्ट को तबाह किया, हम लोगों को कैश क्रॉप उगाने पे वो मजबूर किया ताकि उनको उनकी फैक्ट्रियां जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो चलती रहे। यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, दुनिया भर में जितना भी ब्रिटेन रॉ मटेरियल इकट्ठा करता था 50% से ज्यादा भारत से करता था, और फिर तैयार माल हमारे देश में आगे बेचते थे। और अगर हम अपना हैंडीक्राफ्ट बेचें दूसरे देश में तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, इतने चालाक थे। कॉलोनियल पीरियड पढ़ते हैं अब, इनके समय में कैसा था व्यापार। नकराटर्स नाउ कॉल्ड चेटियार्स फ्रॉम तमिलनाडु प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ दीज इंडिजीनियस ट्रेडिंग नेटवर्क वर ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क इन कॉलोनियल पीरियड में कैसे करते थे। नकराटर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हुंडी क्रेडिट नोट विच इज गिवन टू अ पर्सन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, तीन तरीकों से मिलता था आमतौर पे ये लोन हुंडी क्रेडिट। एक तो जो जिस पे विश्वास है उसे दे, उस पे उस तरह दिया जाता था पैसा कि भाई ये व्यक्ति हमारी जान पहचान का, इसको दे दो। दूसरा इससे अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, मान लो अपनी कम्युनिटी में कोई व्यक्ति गरीब है और उसको पैसे दे दो ताकि वो अपना बिजनेस चला ले और कल को पैसा चुका देगा। कास्ट टू बिकम केस टू बिकम वेल नोन, और वो व्यक्ति जान पहचान का होना चाहिए, अपनी जात का होना चाहिए, तब उसे पैसा दिया जाता था उस टाइम। नकराटर्स आल्सो वेंट टू श्रीलंका में भी गए थे, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में भी। जो श्रीलंका में लंकन तमिल थे ना 18% और 13% तो लंका के ही तमिल थे, सॉरी श्रीलंका में जो 18% तमिलियंस थे ना, जिसमें से 13% तो लंकन तमिल थे और जो 5% इंडियन तमिल थे ना, वो यही सब थे। पावर शेयरिंग में है, 10th क्लास के सिविक्स में पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। नकराटर्स और वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में क्या फर्क था, मतलब अंतर है। ये लोग पर्सनल रिलेशनशिप पे लोन देते थे और बैंक से तो बैंक का तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जान पहचान मैटर ही नहीं करता। ये ट्रस्ट के बेस पे और बैंक तो गिरवी रखवाता है चीज। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड अपनी सिर्फ कम्युनिटी के लोगों को लोन दिया जाता है, और वेस्टर्न बैंकिंग में कोई भी लोन ले ले जाके जिसके पास कागजात पूरे हैं। कैपिटलिज्म की थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि समाज के अंदर दो वर्ग के लोग होते हैं, एक होते हैं कैपिटलिस्ट और दूसरे होते हैं पीजेंट। कैपिटलिस्ट लोग पीजेंट लोगों का, मजदूर लोगों का एक्सप्लोइटेशन करते हैं, उनकी तनख्वाहें उन्हें टाइम पे देते, और मजदूर लोग कैपिटलिस्ट लोगों की सेवाएं करते हैं। पर फिर कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर ये भी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पीजेंट्स कैपिटलिस्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे और कैपिटलिस्ट लोगों का तख्ता पलट करके खुद सत्ता में आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं। आप इनकी एक बहुत अच्छी बुक है दास कैपिटल, उसे पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। इज अ सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन फॉर द मार्केट थ्रू द यूज ऑफ वेजेस लेबर। कैपिटलिस्ट लोग किस, मतलब पूंजीवादी लोग किसका उपयोग करते हैं, मजदूरों का सामान बनाने के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द मार्केट हैव द पेंट्रेटेड इन ऑल सेक्टर, और हर जगह किसका कब्जा होता है, प्राइवेट सेक्टर का। और याद रखना प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव मुनाफा कमाना होता है। कन्वर्टिंग एवरीथिंग इंटू इंक्लूडिंग लेबर को भी वो उपयोग करते थे, बेचते खरीदते थे उस टाइम। और आज तो ये बैन है हमारे इंडिया में, मानव तस्करी, जबरदस्ती भीख मंगवाना, वो सब कौन सा संविधान है, हाँ आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ट्रैफिकिंग को बैन किया हुआ है। टू मेन क्लासेस एग्जिस्ट, अ मास ऑफ वेजेस लेबरर्स हु ओन नथिंग बट देयर लेबर पावर देयर कैपेसिटी। मत कहने का मतलब है कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में ही सारा पैसा होता था, वही ताकतवर होते थे, और वो किसका एक्सप्लोइटेशन करते थे, लोअर का, मतलब कि जो उनके मजदूर होते थे या जो पीजेंट सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। तो कैपिटलिज्म किससे बना है, दो चीजों से, कैपिटलिस्ट प्लस वर्कर। कैपिटलिस्ट मालिक होता है या एक्सप्लोइटेटर जो एक्सप्लोइट करने वाला होता है, वर्कर जो दिहाड़ी मजदूर होता है या फिर एक्सप्लोइटेड जिसका शोषण किया जा रहा होता है। और सरप्लस वैल्यू जब इन दोनों से मिलते हैं तो मुनाफा जनरेट होता है, और मुनाफा सारा कौन खा जाता है, कैपिटलिस्ट। कमोडिटी सामान को बोलते हैं जो हम बाजार में बिकता है और हम लोग खरीदते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। कमोडिटाइजेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन कमोडिटी इंटू कमोडिटी। कहने का मतलब पहले जो चीज सामान नहीं थी, कमोडिटी नहीं थी, पर आज वो कमोडिटी है। जैसे पहले ब्लड, ब्लड बिकता था कोई, पर आज ब्लड की यूनिट बिकती है, जिसे जरूरत होती है वो यूनिट्स खरीदता है ब्लड बैंक से या जहां से भी, तो ब्लड बिकता है आज भी, पर पहले नहीं था। लेबर
मजदूर पहले मतलब कि क्या होता था, मजदूर को घर में काम कराया जाता है, आज पहले भी था पर आज बहुत ज्यादा है। मैरिज ब्यूरो, क्या पहले मैरिज ब्यूरोज खुले हुए थे? अब से 100 200 साल पहले उनमें शादियां तय होती थी, नहीं जान पहचान रिश्तेदार। पर जो चीज पहले सामान नहीं थी आज वो कमोडिटाइजेशन कर दिया। आप मुझे एग्जाम्पल बताइएगा कमोडिटाइजेशन के कुछ, और इसमें और भी हो सकता है, जैसे इसमें देख लो आप एक अच्छा और एग्जाम्पल, इंटीरियर डिजाइनर। पहले ये था अब से 100 साल पहले कि इंटीरियर डिजाइनर्स होते थे जो घर के डिजाइन या कि कौन सा पर्दा कहाँ लगना है, पर आज ये भी है। तो जो पहले कमोडिटी नहीं थी पर आज कमोडिटी है, दैट इज कॉल्ड कमोडिटाइजेशन। कमोडिफिकेशन क्या होता है? ओकर्स वेन थिंग्स दैट वर अर्लियर नॉट ट्रेडेड, पहले जिनका व्यापार नहीं होता था पर आज बाजार में वो बिकती हैं। ठीक है, ब्लड यूनिट सिटी सी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनली अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहले मैरिज रिश्तेदार तय करते थे पर आज मैरिज ब्यूरोज में जाया जाता है, वेबसाइट्स पर आप देखो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं शादी की, तो उन सब पे देखा जाता है शादी के बारे में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो पर पहले ऐसा था नहीं, तो कमोडिफिकेशन हो रहा है। इन अर्लियर टाइम सोशल स्किल्स सच एज गुड मैनर्स एटिकेट्स बच्चों को सिखाए जाते थे, आज बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोर्स करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, पर पहले ऐसा नहीं था, तो आज कमोडिफिकेशन हो गया है। देयर आर ऑल्सो अ ग्रोइंग मेंबर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड स्कूल और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, पहले इतने नहीं थे, क्योंकि एजुकेशन भी क्या होती जा रही है, कमोडिफिकेशन। एक नोटबुक खरीदने चले जाओ देखो कितनी महंगी है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन इज ऑल्सो गेटिंग कमोडिफिकेशन, इवन रिलीजियस एक्टिविटीज ऑल्सो गेटिंग कमोडिफिकेशन। आप देख सकते हैं अपने आसपास बड़ी आसानी से दिख जाएगा, कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो। अब किसी को मान लो जागरण के लिए बुलाना हो करवाने, फ्री में नहीं आएगा भाई साहब, पैसे लेगा, कमोडिफिकेशन। पर अब से 100 200 साल पहले ऐसा नहीं था, लोग श्रद्धा मन से करते थे चीजों। तो अगला एग्जाम्पल है पुष्कर मेला। कोई भी व्यक्ति आज के दौर में सेवा नहीं देता फ्री में अपनी, जो अब से पहले सेवाएं फ्री में थी पर आज उनका मोल है बिकॉज ऑफ कमोडिफिकेशन। पुष्कर मेला, द ग्रोइंग मार्केट फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म। पुष्कर मेले के जरिए दुनिया भर के लोग भारत में घूमने आते हैं, और क्या नाम, ये एक तरह का मेला होता है जिसमें कैमल रेस या वो सब चीजें होती हैं, और ये बहुत अट्रैक्शन का है, इवन फॉरेन रिजर्व को गेन करने का बढ़िया तरीका है, दूसरी कंट्री से बेहतर रिलेशन बनाने में मदद करता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। द फेयर इज एट, दो पॉइंट्स में यही है ऊपर वाले में पढ़ लेना, द फेयर इज अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट बिकॉज जस्ट बिफोर अ मेजर हिंदू रिलीजियन फेस्टिव ऑफ द पूर्णिमा व्हेन पिलग्रिमेज कम टू बोथ एट द होली पुष्कर लेक, और उसमें मतलब कि स्नान करने भी आते हैं होली पुष्कर लेक, जो मतलब कि पुष्कर लेक है जो बहुत पवित्र है उसमें स्नान करने के लिए भी आते हैं पूर्णिमा से पहले। तो ये मत कहने का मतलब है कि जो देखो टूरिस्ट जो इस तरह के अट्रैक्शंस होते हैं या जो नेचर की ब्यूटी है वो भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आज के रूप में उपयोग की जाती है। कंजप्शन होता है सामान के उपयोग को, कंजप्शन बोलते हैं। लेबर पावर, एक व्यक्ति की दिमागी और शारीरिक क्षमताएं किसी काम को करने की, दैट इज कॉल्ड लेबर पावर। स्टेटस सिंबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्स वेबर कहते हैं कि एक व्यक्ति जब बाजार में जाता है ना तो वो अपने स्टेटस के हिसाब से सामान खरीदता है। अब मान लो अगर मेरी जेब में 1000 रुपए हों, क्या मैं 100 रुपए वाली चप्पल खरीदूंगा या एक नो या कोई सिंपल सा फोन चलाऊंगा? मतलब ही नहीं। आई विल टेक द बेस्ट एक्सपेंसिव फोन, स्टेटस, स्टेटस सिंबल। और यही स्टेटस ऐसी चीज है जो आदमी को परेशान भी करती है, क्यों, क्योंकि अगर कोई और उससे अच्छा ले आए तो उसके पास क्यों नहीं है, वो भी लेने पहुंच जाता है। दिस इज ऑल्सो, ये भी सोसाइटी को बांटने का काम करती है कि एक व्यक्ति का सोसाइटी में स्टेटस राजा बाबू वाला, दूसरा गंगू तेली है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो लेट अस सी, ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंज। ग्लोबलाइजेशन के जरिए हम दूसरे देश के लोगों से मिलते जुलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करते हैं, सांस्कृतिक एक्सचेंज करते हैं, सामाजिक एक्सचेंज करते हैं। वो लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं, हम लोग उनके यहाँ घूमने जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्यापार के जरिए बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता है अपने देश को दूसरे देशों से जोड़ना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन।
वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली गेटिंग कनेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया आज के दौर में जुड़ती जा रही है। भारत में बीपीओ देख लो कितने ज्यादा है, आउटसोर्सिंग का जरिया है। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों में अगर बीपीओ खोला जाए, कंपनी का सर्विस सेंटर खोला जाए या कॉल सेंटर, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इंडिया में चीप लेबर मिलती है, इसलिए यहाँ पे खोलते हैं। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देंगे बीपीओ। द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ एंड इंडस्ट्रीज सच एज कॉल सेंटर्स, ये सब इंडिया में बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीप रिसोर्स मिल जाते हैं ना इजिली। कंपनीज बेस्ड इन इंडिया प्रोवाइड लो कॉस्ट सर्विस एंड लेबर टू कस्टमर लोकेटेड सस्ते रेट पे। मार्केटाइजेशन, यूज ऑफ मार्केट और मार्केट बेस्ड प्रोसेस टू सॉल्व सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सामाजिक बाजार का मतलब कि एक तरह से चेंज लाना, ताकि जो लोगों के बीच में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व किया जा सके। अब ये कैसे किया जा सकता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे यूनिफॉर्म बाजार लगाकर, या फिर इस तरह का बाजार लगाकर ताकि सबकी जरूरतें सेटिस्फाई हों, या कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई इस बाजार में नॉनवेज की दुकान ना खोलो, तो अब वो सामने वाला व्यक्ति मान जाता है कि ठीक है भाई हम नहीं खोल रहे, तो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। लिबरलाइजेशन, कंपनियों को आजाद कर देना, डी लाइसेंसिंग कर देना, ताकि वो स्वतंत्र हो जाएं सामान को बनाने के लिए। 1991, ये मैं आपको बताऊं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, चैप्टर 3 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों बहुत बढ़िया समझ आ जाएंगे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कंपनियों को फ्री कर देना, दे आर फ्री टू प्रोड्यूस गुड्स विच दे वॉन्ट बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। एडवांटेज क्या है लिबरलाइजेशन की वजह से, अब सरकार अपनी रोक टोक हटा लेगी तो कंपनी फ्री है, अब सामान जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहती है बना सकती है, और जहां बेचना चाहती है बेच सकती है। लिबरलाइजेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओपन्स अप द इंडियन मार्केट टू फॉरेन कंपनीज, दस मैनी फॉरेन ब्रांडेड गुड्स आर नाउ सोल्ड विच वर नॉट। लिबरलाइजेशन की वजह से दुनिया भर के बाजार के सामान भी हमारे यहाँ पे आगे बिक रहे हैं और हमारे यहाँ के वहां भी बिक रहे हैं, और कंपनी अपनी मर्जी से रोजाना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी करती है। इंक्रीजिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। और ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, देश में विदेशी मुद्रा भंडार आता है। पर इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस भी है, जैसे जो एनपीए कर लेते हैं, बैंकों का पैसा नहीं चुकाते, वो दूसरे देशों में आसानी से भाग जाते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है ग्लोबलाइजेशन, और आपके सामने एग्जाम्पल्स है ही। सम सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री लाइक सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर लाइक फिश और फ्रूट में बेनिफिट फ्रॉम एसेस टू ग्लोबल मार्केट। और क्या होता है कि ये डिसएडवांटेज भी है कि भाई जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, वो हमारी दूसरे देशों के मुकाबले कम्पीट नहीं कर पाती, पर फिर भी ठीक है चल रही है, पर दूसरे देशों में हाईली टेक्निफाइड है ना। और बेनिफिट भी पहुंच जाता है कि भाई चलो उनसे मदद लेके अपना विकास कर सकते हैं, पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अदर सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑयल सीड, ये सब तो बिकने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट, अब मान लो चाइना, हमारे यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिकेंगे दुनिया भर के देशों में जब चाइना के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि भाई साहब वो बहुत सस्ते हैं ना, वो खरीदेगी दुनिया, हमारे वाले एक्सपेंसिव क्यों खरीदेगी। सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जो गवर्नमेंट, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट में जो आपको ठीक लगे वो लिख लेना। सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है किसानों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, एमएसपी भी कह सकते हैं। मेनली मैं आपको एमएसपी का कंसेप्ट बता दूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मान लो जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी फसल का 1800 रुपए है, तो अब किसान के पास ऑप्शन है, अगर 1800 से ज्यादा का बिक रहा है, बिकता है उसका, तो बाजार में कहीं पे भी बेच ले वो। तो सरकार ये कहती है अगर भाई तेरा 1800 से ज्यादा का बिक रहा है ना, तो तू बाजार में कहीं भी बेच ले, और 1800 से कम का बिक रहा है बाजार में, मंडी में रेट से तेरे को सही नहीं मिल रहे, तो आके 1800 का हमें बेच दे। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, ये भी याद रखना। तो इसलिए सब्सिडाइज क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मदद जो सरकार के द्वारा दी जाती है प्रोडक्शन पे, गुड्स और सर्विसेज के, फर्टिलाइजर्स पे लोगों को भी दी जाती है, इवन आप देख लो सिलेंडर पे दी जाती है या फिर हेल्थ पे दी जाती है। तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए अगर हमारे किसी सेंटेंस या किसी शब्द से आपकी कोई भी भावना हर्ट हुई है, तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने का। ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी समाज से जुड़ा हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कई बार जो
फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। तो आप लोग एज अ स्टूडेंट ही परसीव कीजिएगा चीज़ों को, और अगर फिर भी हमने आपकी कोई भावना हर्ट करी है तो उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। बाकी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा अपने वीडियोस को पोस्ट करके, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।